दोस्तों ये आईबेल का ड्रिल मशीन है, कॉर्डलेस है, 10 mm जक है इसका और लियोन बैटरी के साथ आता है। 6 मंथ एडिशनल वारंटी मिल जाता है, जिससे कि आपको पूरे 1.5 साल का वारंटी इसमें मिल जाएगा। वहीं इसके साथ आपको एक बॉक्स मिलता है जिसमें कुछ टूल्स साथ में दिया जाता है, जो कुछ इस प्रकार है जिसमें कि आप इसे वुड में, वॉल में या फिर जो है कंक्रीट में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। वहीं जो है बैटरी का चार्जर आपको डॉक मिल जाता है, जो कि आपके 1500 mAh बैटरी को चार्ज करने में तकरीबन 2 से 3 घंटे लगा देता है। वहीं इसका बैटरी देखिए इतना बड़ा साइज का है, जो कि 20 वोल्ट का आता है, और आप चाहें तो इसका जो है बैटरी लेवल किसी भी वक्त चेक कर सकते हैं, जो कि आपके लिए आसान हो जाएगा ये जानना कि कौन सा बैटरी चार्ज है और नहीं है। तो यहाँ बैटरी का आइकन है, उसे आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे लाइट जो है इंडिकेट करेगा। तो अभी ये 50% अप्रोक्स चार्ज है और आप इसे जो है आसानी से चार्ज भी कर पाएंगे। 2 बैटरी इसमें देता है दिया जाता है। तो देखिए ये जो है ये आपका ड्रिल मशीन है, जो कि काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज़ का है, किसी भी छोटे बड़े जगहों पर आप इसे आसानी से यूज़ कर पाएंगे। और इसे जो है आप जो स्विच है उसे जितना स्मूथ आप टच करेंगे उतना ही आपको स्पीड प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि आप थोड़ा सा दबाते हैं तो हल्का स्पीड ही चलेगा। तो यहाँ पे इस तरह से आपको बैटरी जो है इंसर्ट करना है, उसके बाद ये रेडी टू यूज़ हो जाता है। वहीं इसमें आपको सामने की तरफ लाइट भी मिल जाता है, तो आप काफ़ी आसान से इसे यूज़ कर पाएंगे। ऊपर की तरफ एक स्विच दिया गया है 1 और 2, जो कि आपका RPM को कंट्रोल करता है। आप 450 RPM से ले कर 1450 RPM तक इसे ले जा सकते हैं। तो 2 तरह का टॉर्क स्पीड यहाँ पे RPM दिया गया है। वहीं सामने की तरफ लाइट है, जो कि काफ़ी बेहतरीन आपको अंधेरे में भी काम आ जाएगा। और यहाँ पे सिलेक्शन जो है आप कर सकते हैं कि आप करना क्या चाहते हैं, ड्रिल बिट यूज़ करना चाहते हैं या फिर बीट यूज़ करना चाहते हैं या फिर नट स्क्रू वगैरह कसना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे स्पीड सेलेक्टर भी दिया गया है, जहाँ से आप टॉर्क को कंट्रोल कर पाएंगे कि कितना स्पीड आपको चाहिए जब आप स्क्रू को जो है अनस्क्रू कर रहे हैं या फिर स्क्रू को आपको टाइट करना हो। तो ये सारे 3 ऑप्शन आपको यहीं पे मिल जाता है। वहीं सामने की तरफ जो आपको जक दिख रहा है, उसमें अगर आपको किसी तरह का बीट सेलेक्ट करना है तो आप जक को पकड़ के रिवर्स और फॉरवर्ड करके आप जो है इसके जक को खोल या फिर बंद कर सकते हैं, यानी कि आप इसमें जो है अपना बीट को टाइट भी कर सकते हैं। तो अभी हम इसमें जो है बीट लगाएंगे, तो यहाँ पे आपको नीचे की तरफ रिवर्स का ऑप्शन मिल जाता है, तो उसे अगर आप इस तरफ से अगर आप राइट साइड करते हैं तो आपको जो है रिवर्स चलेगा, लेफ्ट साइड कर देंगे तो आपका फॉरवर्ड चलेगा, जिससे कि आप इसमें जग को सेट कर पाएंगे। तो अभी हम बीट सेट कर लेते हैं और आपको स्क्रू जो है डाल के दिखाते हैं किस तरह से वर्क करता है। तो ये देखिए हमने यहाँ पे स्क्रू को जो है डालना शुरू किया है, काफ़ी स्मूथली ये वर्क किया है। हालांकि ये कार्डबोर्ड है, बट मैंने इसे जो है वुड पे भी करके देखा, काफ़ी अच्छा वर्क करता है। बट यहाँ पे टॉर्क आपको जो है काफ़ी अच्छा मिलता है, जिससे कि आप इसे आसानी से कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है। आप देखिए फिर से हम इसे करके दिखाते हैं। अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो आप दिए गए लिंक पे प्रेस करके आप इसे आसानी से बाय कर पाएंगे। अमेज़ॉन में ये 1500 रुपये में अवेलेबल है।